हुआ। अगला प्रोजेक्ट क्या सर? अगला प्रोजेक्ट आ रहा है हो गेल बा प्यार टिकटॉक वाली से। ओके, मैंने सुना था इस पे। जी कुछ अलग ही है सर। अलग ही है और अलग का जमाना आ गया है। लेकर आते हैं मतलब रोमियो राजा के बाद हो गेल बा प्यार टिकटॉक वाली से। आई थिंक ये इंस्पायर हुआ एक मूवी थी हो गेल बा प्यार ओढ़नी वाली से। जी मेरी मेरी एक फिल्म थी ओढ़निया वाली हो गेल बा प्यार। हाँ हो गेल बा प्यार ओढ़निया वाली फिल्म थी और वो बहुत पसंद किया था लोगों ने। सुपर डुपर हिट था वो पहली मेरी फिल्म थी जो बॉम्बे में सिल्वर जुबली हुई थी और सिल्वर जुबली का जो काम था वहीं से शुरू हुआ था। वो हो गेल बा प्यार ओढ़निया वाली से फिर निरोवा रिक्शा वाला फिर कहाँ जीवा राजा नजरिया लड़ाई के इस तरह से फिर दीवाना फिर दाग इस तरह से जो फिल्में लगातार फिर होती गई सिल्वर जुबली फिर लागल रहा राजा जी। तो जो ये टैग भी मिला मुझे सिल्वर जुबली स्टार का वो भी कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई बा प्यार ओढ़निया वाली से हुआ था। तो उसके बाद जो है अभी के टाइम पे एक ऐसी स्टोरी आई मेरे पास जिसमें जो हीरोइन है वो टिकटॉक पे स्टार है और टिकटॉक पे वो बनाती है गाने और उससे हीरो को प्यार है। आई थिंक जो हीरोइन फिल्म में है वो रियल में भी टिकटॉक पे स्टार है और वायरल है। बिल्कुल वो रियल में भी स्टार है। और आई थिंक आपने भी सर आप भी आ गए हैं एंट्री कर ली है। आपकी रियल आईडी है? हाँ मैं एक बार तो आईडी बनाया था उस पे आते ही वायरल हो गई आईडी। हाँ उस पे तो 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे पर फिर वो आईडी मैंने बनाया था मैं फिल्म कर रहा था नेपाल में वहाँ के नंबर से तो अब वो मैं खोल ही नहीं पाता हूँ। तो फिर मैंने एक नया अभी और बनाया निरहुआ ऑफिशियल टिकटॉक करके। तो उस पे हाँ तो अभी उस पे सब पे क्रेज है टिकटॉक का चाहे वे पत्रकार हो या फिर एक्टर है जो ऑलरेडी फ्रेम पे हैं। तो क्या लगता है जो ये टिकटॉक जो खून में सबके दौड़ रहा है उसमें हीरोइन बाहर निकलती है टिकटॉक से या फिर हीरो भी टिकटॉक में चला जाता है साथ? नहीं नहीं बड़ी खतरनाक कहानी है वो तो फिल्म जब आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि एक टिकटॉक स्टार से किसी लड़के को प्यार होता है और प्यार के बाद उसे पाने के लिए ये क्या क्या करता है वो मतलब ऐसे बताऊंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। वो सिनेमा में आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि एक लड़का किसी को पाने के लिए कितनी मेहनत कर सकता है कहाँ कहाँ तक जा सकता है। टिकटॉक पे तो सिर्फ आपका फेस दिखता है और आपका नाम उसके अलावा कुछ नहीं पता ही नहीं करता है पता भी नहीं होता है प्लेस भी नहीं शेयर होता जब तक हम आईडी वाले जो होते वो शेयर ना करें। जी बिल्कुल इतना मुश्किल होगा देखना काफी मजेदार बहुत मजेदार होगा। और मुझे लगता है कि अब समय आ भी गया है कि हम जो समाज में चल रहा है जो समाज में हो रहा है उसको लेकर के जब हम भोजपुरी में फिल्में बनाएंगे तो ही लोगों को भी नयापन दिखेगा। ऐसा नहीं कि जो पहले एक समय पे फिल्में बनती थी वही हम अगर लगातार आगे भी करेंगे तो वो लोग बोर हो जाएंगे। तो इससे मुझे लगता है कि ये नए नए जो टॉपिक हैं उस पर सिनेमा भोजपुरी में आते रहना चाहिए और उसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। आप देखिए लगातार इस तरह की फिल्में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि अब आप जिस रूप में निरहुआ को अभी तक देखते आए हैं निरहुआ रिक्शा वाला फिर आपने एक और 5 साल तक नया रूप देखा निरहुआ हिंदुस्तानी का पटना से पाकिस्तान का निरहुआ रिक्शा वाला राजा बाबू का अब एक नया अवतार शुरू हुआ है 2020 से रोमियो राजा से। अब आप जो है एक नया अवतार देखेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। आप अगर नहीं देखे हैं अभी तक रोमियो राजा का ट्रेलर तो वो YouTube पे वेब म्यूजिक कंपनी पे आ चुका है आप एक बार देखिए और अपनी राय भी दीजिए अपना आशीर्वाद भी दीजिए आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें वेब म्यूजिक पे और देखते रहिए UNN मीडिया।